हथियार के बल पर अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में 30 लाख की लूट की। बहेरी थाना क्षेत्र के शंकर रोहाड़ स्थित राष्ट्रीय ज्वेलरी दुकान में अपराधी ने दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 6 अपराधी ज्वेलरी दुकान में घुसे और हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट की। इस दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान से 30 लाख से अधिक की लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही बेनीपुर DSP अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 4 मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अपराधी हथियार के साथ दुकान में घुसकर हथियार के बल पर करीब 30 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए नकद की लूट कर फरार हो गए। लूट के बाद इसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम आपको 30 लाख से ऊपर का माल ले गया, सब को पिस्तौल दिखा करके गिरा करके अच्छा और सामान समेट लिया झोरा में। तो इसमें कैश कितना था? कैश 1.5 लाख के लमसम में था और सोना चांदी था। काउंटर पे कितने लोग थे? काउंटर पर हम एक बच्चा था, मेरा बच्चिया था अच्छा। और स्टाफ सब काम कर रहा था अपना अपना। क्या नाम हुआ? नाम सोना और करीब 25-27 किलो चांदी वो ले करके भागे हैं। बोला जा रहा है कि उनके पास हाउस भी था, पिस्टल था, ठीक है। तो उसको ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, पता कर रहे हैं, CCTV वगैरह से निकाला जा रहा है उसका, और जो भी रूट पर है जिसको लोग जा सकते हैं उस रूट पे चेकिंग हो रही है। कोई बताया कि कितने का राशि होगा जितने की लूटी हुई, कोई एस्टिमेट? राशि वो तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, किलो के हिसाब से बता रहे हैं। उसमें करीब 600 ग्राम सोना था और 25-27 किलो चांदी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।